बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैज़ान अहमद। आप सबको मेरे YouTube चैनल शेफ सीक्रेट रेसिपीज़ में खुश आमदीद। आज मैं आपके साथ मज़ेदार सी रेसिपी, पकौड़ों की रेसिपी शेयर कर रहा हूं। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और इसमें क्या क्या चीज़ें मैं यूज़ करूंगा, इसके अंदर आपको मैं एक दो टिप्स बताऊँगा। आप लोगों ने बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरी वीडियो देखनी है। चलें अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। ये देखिए पकौड़े की रेसिपी। सबसे पहले आपने बाउल बाउल लेना है, इसके अंदर एक छोटी कटी पालक की ऐड कर देनी है। उसके बाद एक मीडियम प्याज, फिर एक मीडियम आलू स्लाइस करे हुए, देखिए इस तरह आपने स्लाइस कर लेना है। अब इसके अंदर देखें ग्रीन चिली का पेस्ट मैंने बना के रखा हुआ है, 2 टेबल स्पून ऐड करूँगा। अब इसके अंदर नमक टू टेस्ट एज रिक्वायर्ड नमक ऐड करना है। धनिया कुटा हुआ धनिया 1.5 टेबल स्पून इसमें ऐड करूंगा मैं। लाल मिर्ची 1 टेबल स्पून, हल्दी 1/2 टेबल स्पून। इसके अंदर हम बेसन आपने ये खाने वाले 3 चम्मच ऐड करने। इसके अंदर 1 चम्मच आटे का ऐड करा है मैंने, चक्की का आटा मैंने ऐड करा इसके अंदर 1 चम्मच। अब इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे, इसका बैटर बनाएंगे पकौड़ों के लिए। हमने इसको मिक्स कर लेना है। इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट टिप है, जो आपने मीठा सोडा ऐड करना है वो फ्राइंग के टाइम ऐड करना है, पहले नहीं ऐड करना। तो फ्राई करने लगेंगे उस टाइम इसमें मीठा सोडा ऐड करेंगे। देखिए माशाल्लाह जो हमारा बैटर है पकौड़ों के लिए रेडी हो गया है। इतना थिक रखना है आपने। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा मीठा सोडा ऐड करेंगे, 2 से 3 चुटकियाँ, 2 to 3 pinch। इसको हम अच्छी तरह फिर हिला लेंगे एक बार। देखिए दूसरी तरफ मैंने एक कढ़ाई में तेल ऐड करा है फ्राइंग के लिए। ये देखें मैं हाथ की मदद से इसके अंदर पकौड़ा ऐड करना है। हाथ से अच्छा शेप आता है पकौड़ों का। देखिए हमने इसको गोल्डन ब्राउन करना है। देखिए माशाल्लाह कितने बेहतरीन बने हैं। लास्ट में मीठा सोडा डालने की वजह कि ये देखें बिल्कुल नहीं टूटे, बहुत ही क्रंची बन रहे हैं। देखिए माशाल्लाह रेडी हो चुके हैं। मीडियम फ्लेम में पकाना है आपने इसको। इसको हम चेंज कर लेंगे, आप निकाल लेंगे। मैं प्लेट में डाल रहा हूँ। ये मैंने आपके साथ कमर्शियल रेसिपी शेयर करी है। थोड़ा सा गार्निश के लिए सलाद पत्ता। देखिए माशाल्लाह आज की रेसिपी रेडी हो चुकी है। आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। अब हम मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। हमें दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।